शोक किसान मोर्चा छत्तीस जात का भाईचारा, हमारी मांगे पूरी करो, नीलम बेटी को रिहा करो, करो। इंकलाब जिंदाबाद, शोक किसान मोर्चा जिंदाबाद। आदरणीय शोक अध्यक्ष मंडल, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे इस पंचायत का मकसद था कि जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है और जो बेटी नीलम ने अपनी आवाज को बुलंद किया है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करे, किसान मजदूर की समस्या सरकार सुनने का काम करे, छोटे व्यापारी के हक में नीति बनाए, कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी के हित में काम करने का सरकार अपना वादा पूरा करे। उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद की है उसमें हमने बेटी नीलम के पक्ष में आज पंचायत रखी और कमेटी बनाकर अब फैसला लिया गया कि हमने तीन प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव है कि किसान मजदूर की आवाज उठाने के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने में सरकार मदद करे, युवाओं की रोजगार के मांग को उठाने के लिए और जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो बेटी नीलम को गिरफ्तार किया है सरकार तुरंत प्रभाव से उसको रिहा करे। दूसरा, जो संगीन मामला दर्ज किया है यूपीए जो धारा लगाई गई है उस एक्ट को सरकार वापस लेने का काम करे, क्योंकि इन नौजवानों की मंशा कोई खराब नहीं थी, इनके विचार गलत नहीं थे, किसी को हानि पहुंचाने की मंशा नहीं थी, इसलिए इस प्रकार का संगीन एक्ट लगाने का उचित नहीं बनता, इसको वापस लेने का काम करे। और हमने एक ये भी प्रस्ताव किया है, मीडिया के भाइयों से अपील की है कि इस मामले को दूसरी तरफ ना ले जाया जाए, त्रोड़ मरोड़ के ना दिखाया जाए, इन युवकों की मंशा कोई गलत नहीं थी, इनकी मंशा सरकार को जगाने की थी, जो सरकारों ने रोजगार देने का वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, उसमें वो असफल रही है सरकारें, सरकार को छुट्टी सरकारों को जगाने की मंशा थी, इसलिए मीडिया यही बातें दिखाए जो सच्चाई है। हमने इन्हीं तीन प्रस्तावों को पारित करते हुए हम सबका विश्वास चाहते हैं, एक बार समर्थन करके मीडिया को दिखा दो कि हम सब सहमत है। और आगामी पूरे हरियाणा की शोक किसान मोर्चा से बात करके, सामाजिक संगठनों से बात करके न, और किसान संगठनों से बात करके न, और खाप पंचायत पूरे हरियाणा की उनसे बात करके न, अगर सरकार ने हमारे इन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, जल्दी से जल्दी कोई बड़े पूरे हरियाणा को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम इस बेटी नीलम की रिहाई चाहते हैं और जो एक संगीन एक्ट लगाया है यूपीए इसको हटाने की मांग करते हैं। इस बात के लिए आप सभी आए, सभी का धन्यवाद, जय हिंद। फिर मैं चाहूंगा कि दिखा दो हम सब एक हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बेटी नीलम को रिहा करो, शोक किसान मोर्चा जिंदाबाद, यूपीए एक्ट रद्द करो, यूपीए एक्ट रद्द करो, यूपीए एक्ट रद्द करो, बेटी नीलम को रिहा करो, हमारी मांगे पूरी करो, शोक किसान मोर्चा जिंदाबाद। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।